हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फूडीज हार्टबीट। तो आज हम बनाएंगे कच्चा मैंगो बाइट टॉफ़ी की मिठाई, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो जब भी बच्चों का कुछ खाने का अच्छा सा मीठा खाने का मन करे तो आप इसे झटपट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कच्चा मैंगो बाइट टॉफ़ी की मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए कच्चा मैंगो बाइट टॉफ़ियाँ, कॉर्नफ्लोर, आप इसके अगर अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं, 4 बड़े चम्मच चीनी और गोले का बरूदा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सारी टॉफियों को छीलेंगे। सारी टॉफियों को हमने यहाँ छील लिया है। अब गैस पे हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें डालेंगे हम 1 बड़ा कप पानी। उसमें डालेंगे टॉफी। टॉफी मेल्ट हो चुकी है। टॉफी को मेल्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें कलर थोड़ा मेरा कम ग्रीन आया है तो मैं इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करूँगी। इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है। फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच चीनी। टॉफ़ी वैसे तो मीठी होती ही है, पर हम इसमें ज़्यादा मीठा करने के लिए थोड़ी सी चीनी डालेंगे। इतने हमारी चीनी मेल्ट हो रही है, तब तक हम कॉर्नफ्लोर को रेडी कर लेंगे। उसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर को हमें पहले ही थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है, जिससे इसे लम्स ना पड़े। हमें इसे सूखा नहीं डालना है। अब इसमें हम इसे ऐड कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। जिससे इसमें लम्स ना पड़े। मिठाई का पेस्ट बन के बिल्कुल रेडी है। अब गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हमने लिए 4 कटोरियाँ, उन्हें हमने देसी घी से ग्रीस कर लिया है। इसमें हम डालेंगे पेस्ट। इसे हमें बिल्कुल ऊपर तक भरना है। सारी कटोरियाँ हमने यहाँ रेडी कर ली हैं। हमारा थोड़ा सा पेस्ट बच गया था तो हमने इसे एक अलग से कटोरी में कर लिया है और अब हम इन्हें आधा घंटे के लिए फ्रीज करने रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, हमारी मिठाई भी अच्छे से फ्रीज हो चुकी है। अब हम इन्हें कटोरियों में से निकालेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकली आई है। इसी तरह से हम सारी मिठाई को निकाल लेंगे। उसके बाद हम लेंगे गोले का बरूदा और मिठाइयों को अच्छे से उसमें लपेटेंगे, जिससे ये और भी ज़्यादा देखने में अच्छी लगेंगी। कच्चा मैंगो बाइट की टॉफ़ी की मिठाई बनके बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं कितनी फ्लफी बनी है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।